आजकल नवाजुद्दीन सिद्दीकी के सितारे बहुत गर्दिश में चल रहे हैं। एक तरफ उनके वाइफ बिग बॉस में उनकी काफी फजीहत कर चुकी है और उनकी फिल्में बैक टू बैक फ्लॉप हो रही हैं। जब से उनको एक्टर बनने का यानी रोमांटिक एक्टर बनने का चस्का लगा है, तब से उनकी एक्टिंग एबिलिटी पर सवाल उठाए जा रहे हैं। बिकॉज बहुत ही सीरियस डिफरेंट एक्टिंग के लिए जाने जाते हैं, उनकी फिल्में भी थोड़ा सा आम लीक से हटकर होती हैं। खासतौर से OTT पर उनकी फिल्मों का डिफरेंट फॉर्मेट होता है, लेकिन जिस तरह की मूवी वो कर रहे हैं वो उनके पूरे कैरियर को पटरी से हटा रही है यानी डिरेल्ड कर रही है। फिलहाल उनकी एक मूवी आई थी, नाम था टीकू वेट सेरू, जो कंगना रनौत ने प्रमोट की थी और प्रोड्यूस भी की थी। यहाँ पर उन्होंने बहुत ओवर एक्टिंग करी, मूवी बहुत चीप बताई जाती है, फ्लॉप हो चुकी है। हालांकि इस मूवी के प्रमोशन का एक वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो रहा है, जहाँ पर नवाज ने जाने अनजाने में हेमा मालिनी को लेकर काफी बयानबाजी दे दी है, जिसकी वजह से सोशल मीडिया पर उनको ट्रोल किया जा रहा है। एक्चुअली वो अपने अनुभव को बताते हुए कह रहे हैं कि इस मूवी में उन्होंने जूनियर आर्टिस्ट का रोल किया है और जूनियर आर्टिस्ट के तौर पर वो काफी साल पहले इंडस्ट्री में काम करते थे जब उनको बड़े रोल नहीं मिलते थे, और जब वो जूनियर आर्टिस्ट का रोल करके अपने गांव जाते थे बढ़ाना, तब उनसे बहुत लोग पूछते थे फिल्मों के बारे में। जैसा कि गांव कस्बे के लोगों की जिज्ञासा होती है कि मूवी कैसे बनती है, एक्टर कैसे होते हैं, एक्ट्रेस कैसे होती हैं, वैसे ही नवाज से गांव के बड़े बूढ़े सवाल पूछते थे, जिसमें एक बंदे ने ये पूछा कि भैया वहां पर क्या सच में हीरो हीरोइन आपस में किस करते हैं? तब नवाज मुस्कुराकर बोलते थे हाँ। हालांकि नवाज को नहीं मालूम होगा उस टाइम में कि आगे चलकर वो जितनी फिल्में वेब सीरीज करेंगे वहां पर खुलकर नंगाई करेंगे, लिप किस करेंगे, बराबर बात अलग है। हालांकि उनसे एक सवाल और पूछा जाता था, जहां पर लोग कहते थे क्या ये बात सच है कि हेमा मालिनी जब चिलम पीती हैं तब हुक्के में 500 के नोट जलाती हैं। हालांकि बहुत ही किदवंती तूत फेरी वाली बातें हैं और गांव के लोग मजाक में कई बार उल्टी सीधी बात कर देते हैं, लेकिन नवाज ने इस बात को जिस प्लेटफॉर्म से जिस मंच से कहा वो काफी चीप और फनी लगता है। नवाज को प्रमोशन के नाम पर अच्छी बातें करनी चाहिए, लेकिन किसी का नाम लेकर इस तरह का मजाक फजीहत जस्ता नहीं है, और ये बात हेमा मालिनी के फैंस को अच्छी नहीं लग रही है। बिकॉज गॉसिप्स की बात अलग होती है, उसको किसी प्लेटफॉर्म पर एस्टेब्लिश कर देना इज डिफरेंट थिंग। नवाजुद्दीन को ये फर्क नहीं पता, इसी गलती की वजह से उनके परिवार में इस तरह का पूरा स्यापा फैला है। बहुत साल पहले उन्होंने किताब लिखी थी जहाँ पर ओवर एक्साइटमेंट में आकर बहुत सारे अपने अफेयर के खुलासे कर दिए थे, जहाँ से उनकी वाइफ का झगड़ा स्टार्ट हुआ। उन्होंने एक हीरोइन को बदनाम भी कर दिया था जो मिस लवली में उनके साथ काम कर रही थी। उनके अकॉर्डिंग उन्होंने उसके साथ सेक्स किया और बहुत सारी ल्यूर वाली हरकतें करी जो कि एक एक्टर को शोभा नहीं देती। ये बातें ऑटोबायोग्राफी में तब शोभा देती हैं जब आप फिल्मों से रिटायर हो चुके होते हैं और आपका कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, जैसा कि अनुपम खेर करते हैं या नसीरुद्दीन शाह करते हैं। लेकिन नवाजुद्दीन को बहुत ज़्यादा फेमस होने की जल्दी थी, इसलिए बहुत बड़ी बड़ी निगेटिव बातें ओपन कर दी। आज उनके परिवार में उनकी मैरिज में निगेटिविटी पूरी तरह से मैच बनकर छा चुकी है। ऐसे में हेमा जैसे बयान देने से बचना चाहिए, बिकॉज पब्लिसिटी में आप किसी एक्टर का नाम मत लीजिए, और अगर नाम लीजिए तो उनके नाम पर कर्सी उनकी रिस्पेक्ट मेंटेन रखिए।